ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा वन वृत्त हमीरपुर के सहयोग से वन वृत्त कार्यालय हमीरपुर के सम्मेलन हॉल में वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से ब्यास नदी बेसिन के पुनरुत्थान के लिए क्षेत्र विशेष रणनीति और रिपोर्ट विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के हितधारकों के साथ परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस एस सामंत ने बताया कि बैठक में प्रदेश के वन कृषि बागवानी पशुपालन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं राजस्व आईपीएच लोक निर्माण विभाग जैसे हितधारक विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। आज की जो मीटिंग है वो रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स रिवर बेसिंस थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस पे है। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ने ICFRE देहरादून के थ्रू जो है हमारे जो भी इंडियन रिवर सिस्टम्स हैं विशेष रूप से 13 जो नदियां हैं तो उन पर उन नदियों के रिवर बेसिन पर जो है ये परियोजना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए असाइनमेंट दिया हुआ है जिसमें से टोटल 9 नदियाँ हैं। इसमें जो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो शिमला में स्थित है इसको जो है इंडस बेसिन के रिज्यूमेशन के लिए कहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और इसमें इंडस बेसिन के अंदर में हमारे 5 हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर की 5 नदियाँ आती हैं जिसमें सतलुज है और ब्यास है, फिर रावी है, फिर चिनाब है और झेलम है। तो इन नदियों में ये पूरा विस्तृत जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है ये इसका टाइटल ही है रिज्यूमिनेशन ऑफ रिवर बेसिंस थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस। ये एक इकोसिस्टम अप्रोच है जिसमें सभी कंपोनेंट जो है साथ में लिए जाएंगे और जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। और फाइनली रिज्यूमिनेट करने का मतलब ये है कि हमारे फॉरेस्ट सिस्टम भी कहते हैं हेल्दी रहेंगे और वहाँ भी हमारे लाइवलीहुड ऑप्शंस रहेंगे। जंगल जो है हमारे पानी को रिचार्ज जो हमारे नदी नाले हैं तो उनको रिचार्ज करने में मदद करेंगे और जो अन्य जो लोगों के लाइवलीहुड उनको बढ़ाने में मदद करेंगे। और इसके अलावा जो कहते हैं अन्य जो भी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सॉइल वाटर कहते हैं कंजर्वेशन ये सभी कंपोनेंट इसमें आएंगे। और अभी इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेन जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है इसमें और उसके अलावा उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो इसमें रहेंगे। और हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग असेसमेंट मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन पे जो है काम करेगा। तो अल्टीमेट गोल है कि जो भी हमारी नदियाँ हैं जिनमें पानी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है और क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हों या प्रदूषण की वजह से वो पीने लायक ना रही हो या अन्य जो भी कारण रहे हो जो एंथ्रोपोजेनिक मानवजनित जो भी गतिविधियाँ हैं उनसे जो भी ये चीज़ें रही है तो उनका प्रबंधन करके उनका मैनेजमेंट करके फाइनली नदियों को फिर से कहते हैं रिजुविनेट करना है जिसमें ज़्यादा पानी की गुणवत्ता हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो। और आने वाले समय में जो भी हमारे पहाड़ के जो भी वासी है पहाड़ के हिलवा रेजिडेंट्स जो भी है और डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जिसको हम कहते हैं जो पहाड़ी है पहाड़ के लोग हैं और कहते हैं प्लेन के लोग हैं सभी इसका जो है फायदा उठा सकें और इसकी पूरी सेवा उनका हम ले सकें। तो ये मुख्य उद्देश्य DPR बनाने का है। थैंक यू। पानी विभाग पहले भी जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान है उन पर काम कर रहा था और जो जो हमारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे NTPC है, कोल डैम है, चिमेरा प्रोजेक्ट्स हैं, नाथवा जाकड़ी का है, इन सब की जो प्रोजेक्ट का आउटले था उसके हिसाब से कैच प्लान बनता था और हम लिमिटेड एरिया में फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन में काम करते थे। ये पहली बार हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश में रिवर सिस्टम है इसमें झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास ये रिवर्स हैं, इनके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपना के एक DPR जो है डेथ प्रोजेक्ट जो है वो HFRI के द्वारा बनाई जा रही है। HFRI जो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है और ICFRE के अंदर है वो बना रहा है। और इसमें ना केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बल्कि जो और भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, माइनिंग है, ये डिपार्टमेंट्स भी मिलके काम करेंगे और एरिया के हिसाब से कौन सा एरिया किस
काम के लिए फिट है, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, उसके हिसाब से काम करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन के काम होंगे और जो रूरल डेवलपमेंट के काम होंगे। तो वन विभाग भी, क्योंकि जो हमारी विजन 2030 है हिमाचल प्रदेश का, उसके तहत वन हिमाचल प्रदेश में जो वनों के अधीन एरिया है वो 25% से बढ़ा के 35% करना है, और जो हमारे ओपन फॉरेस्ट हैं उनको डेंस फॉरेस्ट बनाना है, और जो हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का उसको इम्प्रूव करना है। तो वन विभाग भी इसमें जो है मेन जो डिपार्टमेंट है वो है, और हम लोग भी जो भी इसमें काम होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में एरिया के हिसाब से, वो हमारे जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, फील्ड का स्टाफ है, वो सारा इसमें सहयोग करेंगे।